नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। पाकिस्तान की इमरान सरकार आज अपने किए की सजा भुगत रही है। तंग हाली, बेरोजगारी और आतंकी की मारी। पाकिस्तान की नियाजी सरकार से आवाम परेशान है, उसे अब एक पल इमरान की सत्ता बर्दाश्त नहीं। इसीलिए आज विपक्षी दलों की पेशावर रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। आवाम और विपक्षियों ने मिलकर अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। इमरान तो बस 30 दिन का मेहमान है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की दहाड़। पेशावर की रैली से पीडीएम नेताओं का प्रहार। मरियम की रैली में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान पर हमला। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज है, ये कहा भुट्टो ने। आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद पीडीएम की रैली पाकिस्तान के पेशावर में हुई। इमरान के खिलाफ विशाल रैली यहाँ पर हुई। और आप तस्वीरों में देखिए कितनी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पहुंचे। लोगों का हुजूम उमड़ा इस रैली में। और आपको साथ ही बता दे, बिलावल भुट्टो की रैली में मौजूद थे। इमरान सरकार ने पीडीएम को नहीं दी है रैली की इजाजत। रैली पर आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया गया और इस हमले के अलर्ट के बावजूद भीड़ उमड़ पड़ी इस रैली में। तो पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पेशावर रैली को जितना रोकने की कोशिश की, वो उसके लिए उतनी सिरदर्द साबित हुई। इमरान की सारी ताकत एक तरफ धरी की धरी रह गई जब विपक्षियों ने पेशावर में कामयाब रैली कर इमरान को कुर्सी खाली करने का फरमान सुना दिया। लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। जो बुलबुल है वो हट जाए। शेम, शेम, शेम। 16 अक्टूबर 2020 गुजरावाला रैली से भीषण आगाज। अक्टूबर 2020 कराची रैली में इमरान पर प्रचंड वार। अक्टूबर 2020 क्वेटा रैली में फर्जी हुकूमत से आर पार। और अब 22 नवंबर 2020 पेशावर में इमरान को विपक्ष का खुला चैलेंज। एम सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, एम सिलेक्टेड में ये हैरत नहीं था। गुजरावाला, कराची और क्वेटा के बाद अब पेशावर की रैली में उमड़ा ये जनसैलाब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए खुला चैलेंज है। सिलेक्टेड हुकूमत ने, अस्सलाम वालेकुम, आज पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि पख्तूनख्वा ने अपना फैसला सुना दिया है। पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है। पूरा पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चारों तरफ से घिर चुके हैं। विपक्ष का शिकंजा अब इमरान के गले की फांस बन गया है। 40 साल से विपक्ष का घमासान, अवाम की पुकार। पाकिस्तान के फर्जी पीएम पर आखिरी प्रहार। इमरान तो बस 30 दिन का मेहमान है। पाक सेना के साथ मिली भगत और धांधली कर सत्ता में आए इमरान के दिन पूरे हो चुके हैं। खैबर पश्तूनख्वा के आवाम ने जलसे में इस अजीमुशान शिरकत के साथ आपने धांधली के नतीजे में आने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है।
पेशावर रैली इसलिए भी इमरान सरकार की ताबूत का आखिरी कील मानी जा रही है क्योंकि इसे रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन पीडीएम ने हार नहीं मानी, वो इमरान की तानाशाही के आगे नहीं झुके और तमाम बंदिशों के बावजूद रैली में सरकार के खिलाफ दहाड़ कर जता दिया कि जुल्म और धांधली की नींव पर खड़ी इमरान सरकार अब नहीं चलने वाली है। हुकूमत यहाँ पे जो नामनिहाद धांधली की पैदावार हुकूमत है, उन्होंने कहा कि कोरोना है और पीडीएम का जलसा नहीं होगा। हमने कहा कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक जहरीला आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। ये जलसा नहीं, ये रेफरेंडम है। पेशावर रैली में पीडीएम के सभी सदस्य दलों ने शिरकत की। पीपीपी के बिलावल भुट्टो, जेयूडी के मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने भी आवाम की उम्मीदों को पूरा किया। बरान जमात और उनके पुश्तीबान बुखलाए हुए हैं, आगे बढ़ना है और उनको यहाँ से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। इमरान के खिलाफ बने 11 दलों के विपक्षी गठबंधन पीडीएम के इरादे कितने बुलंद हैं और इनके बीच इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐसा संकल्प है कि पिछली रैलियों में इमरान की फर्जी सरकार के खिलाफ आग उगलने वाली पीएमएलएन की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इस जलसे में शिरकत की, बावजूद इसके कि उनकी दादी यानी नवाज शरीफ की माँ का इंतकाल इसी रोज रैली से कुछ देर पहले हुआ। पेशावर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। इस रैली को रोकने के लिए पीएम इमरान ने विपक्ष पर ब्लैकमेल के आरोप का दांव भी चला। इमरान ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई से बचना चाहते हैं, इसलिए सरकार को अस्थिर करने पर तुले हैं। पर इमरान का दांव बेकार गया। दरअसल इमरान और सेना खुद भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से दबी हुई है। धांधली हुई है, धांधली की गई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। विपक्ष के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में जुटी लाखों की ये भीड़ इस बात की तस्दीक है कि अब इन्हें इमरान की कुर्सी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ये आवाजें तभी इमरान के खिलाफ हमले बंद करेंगी जब इमरान कुर्सी छोड़ेंगे, क्योंकि 11 विपक्षी दलों के इस गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद पाकिस्तान में लोकतंत्र लाने का है, जो मुल्क पिछले 73 सालों से आवाम और सेना के बीच संघर्ष से जूझता रहा है। हालांकि इस बार पाकिस्तान में फर्जी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुए पीडीएम के इस अभियान को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सियासी वापसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, कर दिया है और वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही इस बार हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग की खासियत ये भी है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना पर भी निशाना साधा गया हो। पीडीएम के निशाने पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी निशाने पर हैं। पीडीएम और नवाज शरीफ का साफ साफ ये मानना है कि ये दोनों पाकिस्तान की सियासी और आर्थिक तंगहाली के जिम्मेदार हैं। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी, फिर आपके सामने कलमे हक भी कहा जाएगा। और आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तीबानी से पीछे हट जाएं। आप सियासत में क्यों आते हैं, आप अपने दिफा से काम रखें, दिफा काम करेंगे तो हम आपके साथ। पीडीएम ने इस फर्जी इमरान सरकार के खात्मे की तारीख भी तय कर रखी है। अब तक हुई 3 रैलियों के बाद रविवार को चौथी चोट पेशावर रैली के तौर पर दी गई।
अब आगे 30 नवंबर को पांचवी और 13 दिसंबर को आखिरी रैली है। जैसे जैसे रैलियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इमरान के खिलाफ इस घमासान में आवाम का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है। पीडीएम की आखिरी रैली होते होते इमरान हुकूमत के लिए जलजला आने वाला है। चाहे इमरान अब जितना जोर लगा लें, उनकी कुर्सी अब बचने वाली नहीं। पाकिस्तान के अंदर से ही आ रही नारों की गूंज इस बात की मुनादी है कि इमरान अब बस 30 दिनों का मेहमान है। फिर रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इमरान सरकार के खिलाफ रोके नहीं रुक रहा विपक्ष का प्रहार। इमरान सरकार ने सारी ताकत आजमा ली, पहले कोरोना की आड़ में, फिर आतंकी हमले के खौफ से विपक्ष को डराया, पर ये सब किसी काम ना आया। आखिर विपक्षी रैली पर आतंकी क्यों हमलावर है? लगता है इमरान और पाक फौज के पाले पोसे आतंकी भी इमरान की कुर्सी अब बचा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में विपक्ष के पीछे क्यों पड़े हैं आतंकी? पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है, पूरा पख्तूनख्वा का मुतालबा है। कुर्सी बचाने के लिए कितनी साजिशें रचेंगे इमरान? विपक्ष की रैलियों में लगाना अड़ंगा इमरान को पड़ेगा महंगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद अपनी बनाई सुरंग में घिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे आवाम में इमरान की सत्ता के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की आवाज इमरान के खिलाफ बुलंद होती जा रही है। और इससे घबराए इमरान कुर्सी बचाने के लिए एक पर एक साजिशें रच रहे हैं। 22 नवंबर की इस पेशावर रैली को भी पहले कोरोना की आड़ में रोकने की कोशिश की गई। खुद पीएम इमरान ने सीरीज में कई ट्वीट कर ये जताने की कोशिश की कि विपक्ष आवाम की जान से खेल रहा है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरी वक्त में आतंकी हमले की चेतावनी से विपक्ष और आवाम को डराने के पैंतरे से भी पीटीआई की सरकार बाज नहीं आई। हम इनको इस धरती और इस आवाम की किस्मत के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज भी अगर खबर आ रहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, तो हम इनको भी इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों को इजाजत नहीं देंगे और इनके सहूलतकार इस हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के आवाम की खून के साथ खेला जाए, जिंदगी के साथ खेला जाए, इज्जत के साथ खेला जाए। जब 25 अक्टूबर को क्वेटा में रैली हो रही थी, तब भी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नेक्टा ने आतंकी हमले की चेतावनी जारी की थी और कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाते हुए क्वेटा में बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई है। सवाल है, कहां है इमरान की आतंक विरोधी मुहिम? आखिर इमरान ने मुल्क की कैसी हालत कर दी है कि कोई उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? उसे सरकार से लेकर आतंकी संगठन तक रोकने पर आमादा हो जाते हैं। क्या ये इमरान की सत्ता का आतंकियों से साठगांठ का इशारा नहीं है? इससे पहले कराची रैली को भी लेकर हाल ही में पीएमएलएन के नेता शाह महमूद शाह ने खुलासा किया था कि इस रैली के बाद मरियम की हत्या की साजिश रची गई थी। ठीक बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तरह मरियम के मर्डर का प्लान तैयार था, जिसे अंतिम वक्त में पीडीएम की एकता नहीं नाकाम किया। बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जग जलसे गा से मरियम बीबी निकलती, सफदर निकलते गाड़ी रोकी जाती, वही कुछ होता जो मुर्तजा भुट्टो के साथ हुआ। बस वही कुछ होता जो मुर्तजा भुट्टो का वक्त हुआ था। ये वाकया ऐसा अलमनाक होता तो क्या बनता इस फेडरेशन का, क्या बनता? अगर कोई तरह खतरनाक हादसा हो जाता, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी मरियम की, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी सफदर की, अगर कोई ऐसा होता ये पाकिस्तान तो टूट जाता।
सत्ता के नशे में चूर इमरान ये ना समझें कि विपक्ष को खत्म करने के उनके आतंकी मंसूबे को अवाम नहीं समझ रही, बल्कि यही वजह है कि इमरान दिन ब दिन पाकिस्तान की अवाम की आंखों की किरकिरी बनते जा रहे हैं और विपक्षी एकता की मिसाल बने पीडीएम ने अब तक 4 विशाल रैलियों के जरिए बता दिया है कि इमरान की सरकार अब किसी साजिश के बूते भी टिक नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए जी हिंदुस्तान। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।